हेलो फ्रेंड्स, आज हम एस्के गार्डन में लेकर आए सीजनली, जो गर्मियों के सीजनली फ्लावर हैं वो कौन कौन से हैं और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करेंगे आपकी गर्मियों में। ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे दोस्तों। इसको किस तरह से जर्मिनेशन किया जाए और इसका जर्मिनेशन किस तरह से होगा, इसको और हम किस तरह से लगाएं जर्मिनेशन के बाद, ये सारी जानकारी देंगे दोस्तों। ये मेरे पास देखिए सारी वेराइटियाँ हैं, सेलोसिया है, टिथोनियम है, जितनी भी वेराइटियाँ हैं, जूनिया है, ये सारी वैरायटी आपकी गर्मी वाली है। देखिए सनफ्लावर, सनफ्लावर की वैरायटी मेरे पास बहुत सारी हैं, आपको वीडियो में दिख जाएंगी। और ये मिर्ची भी है और कॉसमॉस है आपका, गेंदा, गेंदा दो तीन वैरायटियां हैं मेरे पास, सारी जान ये आपके हैं गर्मियों वाले सीजनली है सारी। ये देखिए सनफ्लावर की आपको दिख रहे होंगे, मेरे पास छः पाँच वैरायटियां हैं सनफ्लावर की, और भी वैरायटी आती गोल्ड में भी है, ये सब वैरायटियां हैं दोस्तों। में मिट्टी बना रही है, इसमें 50% आपका बर्मी कंपोस्ट है और 50% आपका कोकोपीट है। ये मैंने मिट्टी बनाई हुई है और इसमें बहुत ही आसान तरीके से जर्मिनेशन हो जाता है बीजों का। मैं धीरे धीरे करके ये सारे जो मेरे सीड्स रखे हुए हैं इनको देखिए मैं इसमें बोऊंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं इसमें मिट्टी डाल लेता हूँ, जो भी मैंने खाद की मिट्टी बनाई है इसमें सब मैं भर लेता हूँ। भरने के बाद इसमें देखिए दोस्तों मैं एक एक करके सारे में पौधे लगाऊंगा धीरे धीरे करके। पहले मैं सारी मिट्टी भर लूँ ये, और जो कैरेट हैं इन कैरेट में बढ़िया तरह से जर्मिनेशन हो जाता है पौधों का। ये देखिए दोस्तों मैंने सारे जो मेरे पास कैरेट हैं मैंने सभी में मिट्टी भर लिया धीरे धीरे करके, और भी भरता जा रहा हूँ। भरने के बाद देखिए दोस्तों ये मैंने अपना सनफ्लावर लिया है, सनफ्लावर का सीड्स है, इसको बोने जा रहा हूँ और सभी इसी तरह कैरेट में बो दूंगा। बोने के बाद देखिएगा दोस्तों बहुत अच्छे जर्मिनेशन होता है। चलिए दोस्तों बताता हूँ इसको किस तरह से बोया जाता है। जैसे मैंने सब में एक एक करके सीड डाल दिया है, सीड डालने के बाद क्या करना है आपको दोस्तों, सीड डालने के बाद ये देखिए हल्के इसको जो सीड्स डालेंगे आप, जितने भी जो भी आप सीजनली सीड डालें या कोई भी डालें, तो इसको हल्के हल्के से उसको नीचे करना है, हल्का ऊपर से मिट्टी डाल देना है, क्योंकि इसका जो जर्मिनेशन होगा बहुत अच्छा जर्मिनेशन होगा और आपका जो पौधा ग्रोथ करेगा बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा, हेल्दी पौधा रहेगा। ये मैंने धीरे धीरे करके सारे कैरेट में एक में बो दिया है आपका जो भी सनफ्लावर था मेरे पास। देखिए दोस्तों इसी तरह मैं जीनिया का बीज बोने जा रहा हूँ, जो मेरे पास जीनिया है ये जीनिया के इस कैरेट में बोने जा रहा हूँ, और जो भी मेरे पास सीड्स हैं सीजनली वो सब धीरे धीरे करके मैं इसी तरह बो दूंगा। अगर दोस्तों मैं सब दिखाता हूँ आपको तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा आपका टाइम ना लेकर आपको सीधे बताता हूँ इसका जर्मिनेशन आगे चल के कैसा होगा। मैं इस धीरे धीरे करके सारे जो मेरे कैरेट हैं इनमें बोने जा रहा हूँ और आपको बताता हूँ फिर कैसे। ये भी इसी तरह मेरे पास गेंदे का बीज है दोस्तों, ये गेंदा मैं बोने जा रहा हूँ और धीरे धीरे करके गेंदा भी बो दूंगा। इसी तरह मेरे पास जितने भी सीजनली हैं ये तो मैं सब सीजनली बोने जा रहा हूँ दोस्तों। और देखिए दोस्तों ये 4 से 5 दिन का पौधा हो गया है, ये जितना भी जर्मिनेशन है बहुत प्यारा जर्मिनेशन हुआ है इसका, ये सनफ्लावर का है। देख सकते हैं आप कितना प्यारा जर्मिनेशन हुआ है, और भी जो पौधे हैं जो सीड्स इसमें डले हुए हैं वो सारे जर्मिनेशन के लिए तैयार हो रहे हैं, कुछ निकल आए कुछ निकलना बाकी है। ये देखिए ये भी जर्मिनेशन कितना प्यारा आया है मेरा, पूरा एकदम पौधा देखिए पूरा निकल आया, किसी किसी में तो दो बीज पड़े थे जो उसमें, तो वो भी निकल आए हैं, सारे सीड्स से निकले हुए हैं इसके, देख सकते हैं आप दोस्तों कितना प्यारा जर्मिनेशन हुआ। इसी तरह मेरे सारे पौधे जर्मिनेशन के लिए तैयार हैं, ये भी देखिए आप, ये भी हल्का हल्का निकलता आ रहा है जर्मिनेशन का, ये आपका जीनिया का पौधा है, बहुत धीरे धीरे निकल रहा है जीनिया का, सनफ्लावर बहुत जल्दी आया। और देखिए दोस्तों ये मेरा 10 से 12 दिन का पौधा है, बैगन का पौधा है, कितना प्यारा बैगन जर्मिनेशन हुआ है। मेरे जितने भी सारे मैंने पौधे बोए थे सारा जर्मिनेशन बहुत बढ़िया, मैं इस तरह आपको एक एक दिखाऊंगा, बहुत दोस्तों बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए मैं दोस्तों वीडियो को बड़ा ना करके एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं सारे जर्मिनेशन बहुत प्यारे हैं मेरे। ये देखिए दोस्तों ये आपका सनफ्लावर है, ये भी बढ़िया जर्मिनेशन हुआ है, और ये गेंदे का है, देखिए गेंदा बड़ी आसानी से इस कैरेट से निकाल भी सकते हैं आप, देखिए दोस्तों इस तरह से करके जैसे मैं निकाल रहा हूँ, ये देखिए पूरा एकदम निकल आएगा आपका, जिससे लगाने से भी लगाने में भी आपको आसानी होगी, रिपोर्टिंग करना बड़ा आसान होगा इसको लगाना, क्योंकि ये पूरा विथ जो आपने मिट्टी डाली थी उसके निकल आता है जड़ों से, जड़ भी नहीं खराब होती है। इस तरह का ये जीनिया का पौधा है देखिए दोस्तों, और ये आपका कॉसमॉस आ गया दोस्तों, ये कॉसमॉस है, कॉसमॉस का जर्मिनेशन थोड़ा कम हुआ है मेरा, बट फिर भी ठीक है जर्मिनेशन, देख सकते हैं आप
इसको भी ऐसे निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, देखिए बिल्कुल पूरा निकल आता है, एक भी पौधा खराब नहीं होगा इससे आपका कोई भी। और ये बालसम है, बालसम भी देख सकते हो दोस्तों कितना प्यारा और अच्छा हरा भरा है बालसम मेरा, और सारे पौधे एकदम स्वस्थ हैं, कोई भी पौधा कमजोर नहीं हुआ है, और बड़े आसानी से देखिए कितने प्यार से निकल आता है, ये पौधा खराब नहीं होता इसमें लगाने से। यही इसका फायदा है कैरेट में बोने से, कि आपका एक भी पौधा खराब नहीं होगा, जो भी डैमेज होगा पौधा वो नहीं होगा आपका। और ये भी देख सकते हैं मेरे सारे जर्मिनेशन हुआ है धीरे धीरे करके, बहुत प्यारे जर्मिनेशन है, आप देख ही सकते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मेरा जो पौधे इतने अच्छे जर्मिनेशन हुए हैं। और मैं इनको फिर आगे चल के, अभी मेरा ज्यादा दिनों के पौधा भी नहीं हुए दोस्तों, देखिए सिलोसिया कितना अच्छा जमा हुआ है, जो सिलोसिया का बीज है मैंने इस कैरेट में बोया था, क्योंकि इसका बहुत महीन बीज होता है, बहुत छोटा छोटा बीज होता है, इसलिए मैंने इस कैरेट में बोया हुआ था एक साथ। देख सकते हैं आप कितना ज्यादा जर्मिनेशन हुआ है इसका, पूरा एकदम भरा हुआ है। और इसी तरह से मेरा ये बालसम कैरेट खत्म हो गई थी, बालसम भी मैंने इस कैरेट में बोया, ये भी मेरा बालसम का भी बहुत प्यारा है दोस्तों। इसी तरह वीडियो हमारे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, जो हमारे गार्डन प्रेमी हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, क्योंकि जो हमारे गार्डन प्रेमी हैं वो अपना सीड्स तो खरीद लेते हैं दोस्तों, लेकिन जर्मिनेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जर्मिनेशन में उनके आधे से ज़्यादा पौधे खराब हो जाते हैं या सीड्स ही नहीं उगते, क्योंकि उनको जर्मिनेशन करना नहीं आता दोस्तों। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो जो हमारे गार्डन प्रेमी हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, और अपना सीड्स कैसे जर्मिनेशन करें ये सारी जानकारी उन तक पहुंच जाए दोस्तों।